ऐसा घर है ये सेलिब्रिटीज जिसमें प्लीज ऐसी चीज करते जाओ सबसे हटके तुम कटके तुम एंटरटेन खाना मजे का जब पके काम बने और मेहमान रहे अगर तुम में कुछ खास नहीं मेहमान नवाज तुम नहीं अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सी टी वी की तरफ से मेहमान नवाज की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत खुशामदीद। मेहमान नवाज आपके लिए लेकर आया है कश्मीर बनस्पति और कुकिंग ऑयल जो कि आपके लिए पेश किया जा रहा है सी टी वी की जानिब से। अब तक आप लोग सब जान ही चुके होंगे कि हमारे मेहमान नवाज का पैटर्न और फॉर्मेट क्या है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। आप सब लोगों के पास यहाँ मोबाइल फ़ोन्स हैं, अभी भी एक साहब यहाँ मेरी तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उनको मना किया था, लेकिन कोई बात नहीं, फ़ोन सबके पास होते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हर कोई आजकल बहुत एडवांस हो चुका है। हम अपने प्यारों से रابطے में रहना चाहते हैं, वो लोग जो हमसे दूर हैं, शहर से बाहर हैं, हमसे किसी फासले पर बैठे हैं, हम उसको SMS करते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं, फेसबुक पर कॉन्टैक्ट में रहते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आप लोगों के जो बिल्कुल पास हैं, जो आपके साथ बैठे हैं, कहीं आप उनसे तो रब्ता ख़त्म नहीं कर रहे? जी हाँ, मोबाइल फ़ोन्स की टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में हमारे जो पास लोग हैं, हमारे करीब जो हैं, मुझे लगता है कि हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। शायद इंसानी फितरत है कि जो लोग हमारे पास होते हैं हम उनकी कदर नहीं करते, और जब लोग हमसे दूर चले जाते हैं तब हमें उनकी कदर का, उनकी वैल्यू क्या, उनकी प्रेजेंस का एहसास होता है। आपसे सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि जो लोग आपके पास हैं उनकी कदर कीजिए, उनको वैल्यू कीजिए, उनको टाइम दीजिए, और ख़ास तौर पे वो लोग सीनियर सिटीजन्स, वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपके बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, प्रॉब्ली वो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं है, तो वो अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस करते हैं। लोरियों के ज़माने चले गए, मीठी मीठी बातों के ज़माने चले गए, गलियों में खेलने के ज़माने चले गए, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए। टेक्नोलॉजी अपनी जगह, लेकिन रिश्ते अपनी जगह, और यही रिश्ते मजबूत करने के लिए हम पेश कर रहे हैं मेहमान नवाज सीजन 1 सी टी वी से कश्मीर बनस्पति और कुकिंग ऑयल के ताबुन से। आई वुड लाइक टू से स्पेशल थैंक्स टू माई ब्रांड्स जिन्होंने सी टी वी पे मेहमान नवाज पेश करने के लिए हमारे स्पॉन्सर्स किया, और स्पेशली हमारे एक्सपर्ट शेफ्स जो यहाँ मौजूद हैं, शेफ राहत और शेफ मरियम हु केम ऑल द वे फ्रॉम टर्की। थैंक यू सो मच शेफ मरियम, थैंक यू सो मच राहत। प्रोग्राम का फॉर्मेट आप समझ ही चुके हैं। अभी तक हमारे दो मेहमान सेलिब्रिटी गेस्ट कुकिंग कर चुके हैं, और मेहमान नवाजी से अपने बाकी दो तीन सेलिब्रिटी गेस्ट को महजूज कर चुके हैं, मरूब करने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। आपको कैसी लगी शायस्ता वाहिदी की कुकिंग, उनकी मेहमान नवाजी? बहुत अच्छी। आपको कैसी लगी अतीका उड़ो की? अच्छा, आपको क्या लगता है कि औरतें ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं या मर्द? यहाँ तो डेफिनेटली औरतें ही जीतेंगी, मुझे लगता है कि 80% इस वक्त हमारे यहाँ औरतें बैठी हैं। लेकिन सच बोलिए, बताइए कि आपको औरतों के खाने अच्छे लगते हैं या मर्दों के? आपको क्या लगता है कि अगर आपके हस्बैंड अगर आपके घर में खाना बनाएंगे तो अच्छा बनाएंगे कि नहीं? नहीं, नहीं? क्यों? क्योंकि वो बनाएंगे ही नहीं। क्योंकि वो बनाएंगे ही नहीं। लेकिन कभी आपने मौका दिया उनको खाना बनाने का? आपने दिया? जी, मौका दिया, खाना बनाया, लेकिन किचन का बहुत बुरा हाल हुआ। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। जब आप खाना बनाते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन, क्लीनिनेस, आप जब उसको किसी के सामने रखते हैं, और जो पूरा प्रोसेस होता है, दैट इज़ आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट, और एटलीस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज कुकिंग। क्या ख्याल है आपका? जब आपके हस्बैंड से, आपके भाई, आपके जो भी आपके घर से बाहर काम करता है वापस आए, तो उसको खाने के साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी देखनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि उसको लगना चाहिए कि जो किचन में काम हुआ है वो गंदगी से नहीं हुआ, उसको दिल जमी से किया गया है, दिल लगा के किया गया है। यही है मेहमान नवाजी का बेसिक कॉन्सेप्ट, कि हम आप लोगों को बताएं कि हमारे सेलिब्रिटीज़ कितना अच्छा खाना बनाते हैं, और कितनी अच्छी तरीके से बनाते हैं, कितने मज़े लेके बनाते हैं। जिन लोगों ने हमारा प्रोग्राम अभी ट्यून किया है, या जो कल और परसों का हमारा एपिसोड मिस कर चुके हैं, उनको हम दिखाते हैं कि शाइस्ता लोधी और अतीका ओढ़ो ने किस तरह कल और परसों कुकिंग की, एक रीकैप में देखिए। वेलकम टू मेज़बान खाना। मैं अपनी पसंद की, मेरे लिए तो इमरान सबसे आसान है चिकन कढ़ाई बनाना,
अली काम कर लो तुम। हाँ, पूरे सारे टमाटर काटने हैं। सख्त भूख लगी, अब आप खाना चखवा दें। अब वक्त है हमारे तीन सेलिब्रिटीज में से एक का राय खाना में जाने का। आप अहद करें, यहाँ जो कहेंगे सच कहेंगे। सच तो ये कि खाना खा के मुझे ऐसे लगा जैसे शायस्ता ने खुद उसने ही बनाया खाना, शायद बनाया हो ये नहीं पता। मे बी जो उन्होंने चीज चूज की वो लैक ऑफ टाइमिंग की वजह से, जो बिरयानी थी उसके चावल थोड़े से सख्त थे, टमाटर बहुत ज़्यादा थे चिकन कढ़ाई में। इवन दो मुझे टमाटर पसंद नहीं है, इसलिए मैं आई एम मेंशनिंग दिस थिंग, बट ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज अ ग्रेट एफर्ट। खदीजा जी मेज़बान खाना पहुंच चुकी हैं। नहीं, मैंने मिंस ले लिया, मिंस ले लिया, पास्ता वो नज़र आ रहा है मुझे, बाकी चीज़ें सारी इधर ही हैं। पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से कि उनको अतीका जी की सिलेक्शन कैसी लगी। कहने जो बर्तनों का सिलेक्शन जो किया है उन्होंने वो ठीक है। तो अब वक्त है राय खाना में जाने का, जहाँ के हमारे तीन सेलिब्रिटीज जाके अपने मेज़बान के बारे में राय देंगे। आई एम कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड विद अतीका जीज हॉस्पिटैलिटी। रोज़ा भी था आपका, रमज़ान है, रोज़ा था आपका, उसके बावजूद आपने जो मेहनत की किचन में, आपने टेबल सजाया हुआ था वो बहुत अच्छा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम एक शो में बैठे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह था कि हम उनके घर गए हैं और वो घर में हमें वेलकम किया उन्होंने। यहाँ मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा हमारे ब्रांड्स का जिन्होंने स्पॉन्सर किया मेहमान नवाज को, जिसमें हैं कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल सर्विस, निशात लिनन, सो कमाल लॉन, ओलिविया कॉस्मेटिक्स, मिल्लर टाइल्स, कॉन्कॉर्डिया कॉलेज, फोटाइल किचन एंड होम अप्लायंसेस, फेस फ्रेश हिजाबीज एंड ब्रिज पावर बैटरीज। आप लोगों का भी दिल चाह रहा होगा हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलने का, मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है, क्योंकि हमारे वो गेस्ट ऐसे हैं कि जिनसे जितनी भी बातें की जाएं दिल नहीं भरता। तो मैं एक एक करके हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट को आपके सामने यहाँ बुलाता हूँ। सबसे पहले तशरीफ लाएंगी शाइस्ता लोदी। वेलकम फॉर द थर्ड टाइम शाइस्ता। आप तो आपको एक घर का सा माहौल लग रहा होगा। मुझे अपना ज्यादा ही घर लग रहा है, बल्कि अब तो घर जाने का दिल भी नहीं चाह रहा। हम आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, शायद आपका वाकई घर जाने का हम जो है ना वो टिकट वो कहीं घुमा भी दें, कुछ पता नहीं है। अच्छा, कैंसिल करा दे, इसका ना दूसरे कॉम्पिटिशन में भी आ रही हूँ राउंड बी में। हाँ नहीं नहीं, आपको पता है कि मेहमान नवाज में आते अपनी मर्जी से हैं लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी। ओहो, ये तो कोई भाई लोग का स्टेटमेंट है भाई। बहुत नो सीरियसली, आप लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी इस शो के आखिर में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, उसके लिए इंतजार कीजिए। इससे पहले कि अपने दूसरे गेस्ट को यहाँ बुलाएं, मैं शायद से लोदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा का वास्ता वहां जाके बैठ जाएं। यार क्या मतलब, Now I would like to call here my very favorite, आप लोगों के बहुत 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 पसंदीदा, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, amazing actress, brilliant personality, and now she has mashallah proved herself as a very very good cook, very very good chef. तशरीफ लाती हैं, आप जान ही गए होंगे, the beautiful अतीका ओडो। Hello. Hello. We're back. क्या खाना बनाया आपने माशाल्लाह। आपका डिटॉक्स ड्रिंक मेरा अभी तक, मैं बीबी के अपने आपको डिटॉक्स कर रहा हूँ। दो दो दिन चल जाता है मुझे लगता है, शायद जितना रखा रहे उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं, आई थिंक समर मंथ्स में आप नींबू और ऑरेंजेस और ये जितनी भी चीज़ें आप ले सकें, हेल्प्स यू,
क्यूकम्बर इज वेरी गुड, योगर्ट इज वेरी गुड, तो बहुत सी चीज़ें जो आपको गर्मियों में बहुत मदद करती हैं। सुन लिया बेटा, अब जाके क्या करना है? खीरा आंखों पे, मुंह पे, पीना बस। नहीं, और टमाटर भी, मैंने अपने शो में ये कहा कि जो टमाटर एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सी खवातीन ये वाइटनिंग क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं ना, अरे बड़ी खतरनाक होती हैं। हाँ वो खतरनाक होती हैं क्योंकि केमिकल बहुत उनका हाई होता है, लेकिन अगर आप टमाटर को पीस के यानी कि क्रश करके दही में थोड़ा सा मिला के 10 मिनट सिर्फ अपने चेहरे पे लगाएं वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक, तो टमाटर की वजह से एक ब्लीच इफेक्ट आता है और ये नेचुरल चीज़ होती है, आपको ये जलाती भी नहीं है, उसमें मर्क्यूरी लेवल्स भी नहीं होते। तो ये वो चीज़ें हैं जो खवातीन को पता होनी चाहिए कि आप जितना भी अपने फ्रिज से सामान निकालें, जैसे खीरा आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, खाने से पहले मुंह पे लगाएं। हाँ बट देखिए अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है हमें, नेचर में आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है कुदरती तौर, उसको आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें, उसमें बहुत मज़ा है। True that. Thank you so much. जी और बातें करेंगे और आपके मिशन के राज अच्छा करवाएंगे। Please have a seat, ma'am. Okay. और अब बारी है हमारे उन नेशनल हीरोज की जो हमारे मेहमान नवाज के थ्रू ये बताएंगे कि वो कितना अच्छा पकाना है और कितने अच्छे मेहमान नवाज हैं। ओपनर तो वो अच्छे हैं ही, लेकिन उन्होंने आज ये साबित करना है कि वो खाने के कैंस किस तरह ओपन करते हैं, वो किस तरह हंडियों के ढक्कन ओपन करते हैं, वो किस तरह मज़े मज़े के खाने बना के ये प्रूव कर सकते हैं कि लड़के लड़कियों से अच्छा खाना बनाना जानते हैं। लड़कों की ज़्यादा आवाज़ नहीं चाहिए थी इस बात पे यार, लेकिन ठीक है, मुझे अच्छी लगी आप लोगों की ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बाहर वाली फीलिंग कि लड़कियों ने भी ताली बजाई मेरी बात पे। तशरीफ लाते हैं शुएब मलिक। तैयार है? हाँ पक्का। हाँ पक्का। आज मर्दों की इज्जत रखनी है आपने? हाँ पहले सबसे पहले अपनी रखूंगा फिर मर्दों की रखूंगा। नहीं सी आपका क्या एक्सपीरियंस है, कभी घर में खाना बनाया ऐसा जो खाने के काबिल हो? मतलब हम लोगों को जो फिटनेस से थोड़ा सा करीब हैं, जो चाहते हैं कि अपने को फिट रखें, थोड़ा बहुत तो बना लेते हैं कि अपना कहीं घर से बाहर हो तो स्टेक बना लिया या प्रोटीन ड्रिंक बना लिया है क्या, लेकिन ऐसा खाना जो अम्मियाँ बहनें भाई घर वाले भी खा सकें, कुछ ऐसा बनाया कभी? देखिए जब हम लोग लीग्स खेलने जाते हैं तो खुद हर चीज़ करनी पड़ती है, जैसे कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, आज सुबह का नाश्ता खुद बनाना पड़ता है। ये इसमें कोई कोई शर्म की बात नहीं होती, मैं अपने कपड़े अक्सर खुद इस्त्री कर लेता हूँ, धो भी लेता हूँ। लोग ये समझते हैं कि स्टार्स, इतने बड़े बड़े स्टार्स शायद ये सारे काम अपने मेट्स या सर्वेंट से कराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेहनत हर किसी को कर लेनी चाहिए और ऐसे मौकों के लिए ट्रेंड हर वक्त रहना चाहिए कि आपको कभी भी खाना बनाना पड़ सकता है, कपड़े धोने पड़ सकते हैं, इस्त्री करनी पड़ सकती है, ये सारी चीज़ें हर कोई करना जाना चाहिए। और वैसे भी लाइफ में आपको डिसिप्लिन होना चाहिए और आई थिंक कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास हमेशा से लोग हैं और आप उनको अपना काम बोल सकते हैं। आई थिंक आपको अपनी चीज़ें खुद भी करनी चाहिए, आना आपको सब कुछ चाहिए लाइफ में। और ठीक है खाना बनाना मुझे नहीं आता था, लेकिन मेरी हमेशा से विश थी कि मैं खाना जो है बनाना सीखूं, और मुझे यहाँ 3-4 दिन मिले। देखिए उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप अपनी अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपनी वाइफ को खुश रख सकते हैं, क्योंकि रोज़ अगर वो खाना बनाएं और आप खा रहे हैं तो मैं नहीं समझता इट लुक्स नाइस। और लाइफ में चेंज होना चाहिए, उसमें लाइफ आपकी एक्साइटिंग रहती है और आपको अच्छा लगता है। इससे ऐसे किसी भी तरह हम ये नहीं कह सकते कि अगर औरतें ड्राइविंग कर रही हैं या औरतें घर से बाहर काम कर रही हैं तो ये मर्दाना काम कर रही हैं, या अगर हम खाना पका रहे हैं तो ये जनाना काम है। ये सारी हमारी सोच है कि ये लड़कियाँ कर सकती हैं और ये लड़कों के करने का काम है। इस सोच से बाहर निकले, दुनिया के बेहतरीन बड़े बड़े शेफ्स, बड़े बड़े कुक्स जो हैं वो मर्द हैं, और दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टाई नेशनल्स जो हैं वो औरतें चला रही हैं। अतीका ऑडो को देखें, एक बहुत बड़ी कंपनी चला रही है, इसका नाम है अतीका ऑडो कॉस्मेटिक्स, जो कि देखने में लगता है कि किसी मर्द के चलाने का काम है, बट शी इज़ माशाल्लाह हैंडलिंग इट टू वेल। सारी वर्किंग वुमेन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ये देखें। लेकिन ये इस चीज़ को चेंज करें कि औरतों का काम है घर में बैठे और खाना बनाएं, और ये अच्छा प्लीज इस चीज़ को चेंज करो। लड़कियों की क्रिकेट टीम में इसके बारे में क्या ख्याल है, ये प्लीज बताइए। बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, कम्पीट करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसको दुनिया में जैसे अभी रिसेंट पास्ट में दे डिड रियली वेल इन दैट वर्ल्ड कप, और आई फील प्राउड कि हमारी जो लेडीज टीम है उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो जहाँ पे भी वो खेलती हैं अच्छा करती हैं, आई फील प्राउड।
थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. अब ये देख के बैठिएगा आप. इस्तखारा कर मैं इधर ही बैठूंगा. आपने जगह छोड़ा. थैंक यू. और अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे चौथे गेस्ट कौन है. तालियां बजा रही हैं सारी लड़कियां, सारे लड़के. और इस बात के गवाह हैं ये सारे लोग कि मैं किसको बुलाने वाला हूं. तशरीफ लाते हैं अहमद शहजाद. वालेकुम सलाम. अहमद से मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, आप लोगों में से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो करें. एनीबॉडी? मैं साथ चलता हूँ आपके यहाँ. किसी ने सेल्फी लेनी है अहमद के साथ तो एक कौन लेगा? आप आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं. जल्दी से आके ले रहे हैं. बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ एक्टर्स में से जिनकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है. अहमद शहजाद डेफिनेटली वन ऑफ देम. अहमद थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आप का भी नाम हो सकता है इसलिए आप जरा अपने ऊपर हमें छोड़ कर ब्रेक की तरफ चलते हैं. ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपको कि आगे हमारे प्रोग्राम में आज का मेजबान कौन बनेगा. देखते रहिए मेहमान नवाज सीजन वन फ्रॉम कश्मीर बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल. अगर तुम में कुछ खास नहीं मेहमान नवाज तुम नहीं. अगर तुम में कुछ खास नहीं मेहमान नवाज तुम नहीं. जी जनाब हम वापस आ गए हैं ब्रेक के बाद और अब वक्त है आज के शो के मेजबान के चुनने का. जी जनाब इससे पहले हमने दो मेजबान आपको मेहमान नवाज में अपनी मेहमान नवाजी करते दिखाए. अब वक्त है ग्रुप ए के तीसरे मेज़बान का जो हमारे मेज़बान खाना में जाके अपनी मेहमान नवाजी दिखाएगा और अपने खानों से इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा हमारे बाकी सेलिब्रिटी गेस्ट को. आपको क्या लगता है कि कौन होना चाहिए? अब तो दो ही रह गए हैं, शुएब मलिक और अहमद शहजाद. इन दोनों में से कौन सा होगा आज का मेज़बान? हाँ अहमद शहजाद. पॉपुलैरिटी बहुत है अहमद शहजाद. क्यों मतलब आपको चेहरे से लगा उनकी घबराहट देख के? नहीं वो हमारे फेवरेट. वो आपके फेवरेट हैं? अच्छा ठीक है. वो आपके फेवरेट हैं. आपके फेवरेट कौन है? अहमद शहजाद. आपको क्या लगता है कि आज खाना बना लेंगे वो? अच्छा आपको उनको देख के क्या लगता है कि वो क्या खाना बनाना जानते हैं? उनकी पर्सनालिटी के साथ कौन सी डिश जाती है? आपको क्या लगता है कि वो? अहमद शहजाद आपकी पर्सनालिटी के साथ उन्होंने कहा, मैंने कहा कौन सी वो चीज़ बनाना जानते होंगे, तो उन्होंने कहा बर्गर. ओए ओए बर्गर बॉय. इस बात की तो मैं गवाही देता हूँ कि अहमद शहजाद बर्गर नहीं है. वो वाले जो बर्गर हमारे यहाँ टिपिकल बर्गर वाली टर्म होती है, बिल्कुल बर्गर नहीं है. बिल्कुल देसी हमारे जैसे हैं. इनके अंदर कोई इस तरह की चीज नहीं है जिसको हम बर्गर पने का नाम दें. आपको क्या लगता है कौन होगा? जी शुएब मलिक. शुएब मलिक के साथ आपको क्या लगता है कि कौन सी डिश जाती है? उनको देख के आपको क्या लगता है कि उनको क्या पकाना आता होगा और क्या खाते होंगे? बिरयानी. बिरयानी कौन? ये बिरयानी. बिरयानी नहीं, बिरयानी बिरयानी खाने वाले तो यार चावल खाने वाले तो बड़े मोटे ताजे होते हैं. ये तो मुझे शुएब भाई का लगता है कि बिरयानी खाते होंगे ज्यादा. बिरयानी बिल्कुल खाते होंगे. फेवरेट डिश है शुएब भाई को जो है ना चिकन कढ़ाई पसंद है और दाल पसंद है उसके साथ एक आधी रोटी और स्लो 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 ये बात बिल्कुल ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता खाना खाना चाहिए क्योंकि हर खाने का जो आपको सही न्यूट्रिशन मिलते हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता खाने से मिलते हैं. लेकिन मुझे पता है कि चावल खाने वाले लोग बहुत मोटे ताजे होते हैं, लेकिन आपकी शख्सियत के साथ सीरियसली नहीं लगता कि आप चावल खाते होंगे. नहीं खाते हैं. वाकई खाते हैं. बिरयानी इनकी फेवरेट डिश है. दिन में छह दफा खाता हूँ. पूछा मैंने
ये किसने जवाब दिया था? आपके लिए, आपके लिए गिफ्ट तैयार है जनाब, यहाँ सर्विस और निशात लिनन की तरफ से। ऑलराइट, प्रोग्राम के एंड में आपको वो गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। तो अब मैं चुनने जा रहा हूँ हमारे आज के मेजबान का नाम, और वो नाम हम इस तरह चुनेंगे कि इनकी सीट्स के पीछे हम तो रखे हुए हैं दो अदद कार्ड्स। आपके चेहरे का इत्मीनान बता रहा है कि आप लोग एक महाज लड़के आ चुके हैं, और अभी लेकिन वॉर ओवर नहीं हुई, तो आपने ये हमें करना चाहिए। पहले मैं देखूंगा कि अहमद शहजाद के पीछे जो कार्ड रखा है। वैसे मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ, अगर शुएब भाई की बारी आ जाए, आई रियली वांट टू सी हिम को। एक सेकंड, इसका नाक खोल दे, मैं ही जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा। थैंक यू, आप जा रहे हैं? हाँ, मैं चले। अगर आप ना भी कहते तो आप ही जा रहे होते शुएब भाई, इसलिए कि नाम भी आपके पीछे। अहमद के पीछे कार्ड जो था वो बिल्कुल खाली था, यानी आप ही का कार्ड। हम सारे एक्साइटेड हैं इनको बुक करते हुए देखने के लिए। सर आ जाए, मतलब आप कुछ और ही मांग लेते, लेकिन आपने जो मांगना था वैसे भी आपको मिल ही गया है ऑलरेडी जिंदगी में। इधर से हम यूं करते हैं। हाँ, ये इस सिमकार में से मछलियों पे से गुजर के आपको आना पड़ेगा मेरे पास। जी दोनों मिलके ना बनाने, दोनों मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ सर, लेकिन यहाँ फिर कौन संभालेगा मेरी जिम्मेदारी? अहमद आप क्या, अगर अगर मैं और शुएब भाई खाना बनाने चले गए तो आप संभाल लेंगे मेरी जिम्मेदारी? शायस्ता है ना, मेरा ख्याल है कि वो जिसका दिल कर रहा है ना उसको बुला रहे हैं। इनके इनकी दिल की ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ये भी एक सरप्राइज है, लेकिन अभी हम भेजेंगे हमारे तीसरे मेजबान ऑफ ग्रुप वन शुएब मलिक को कि वो जाएं और मेहमान नवाजी के जौहर दिखाएं। मेजबान खाना में उनका इंतजार कर रहे हैं हमारे मेहरबान और कदरदान। मेहरबान है नाजिया बेग और कदरदान है अली सिकंदर। अब चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ और फिर वापस आएंगे और देखेंगे कि उस वक्त तक हमारे मेजबान ने वहां क्या गुल खिलाए। अगर तुम में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं। अगर तुम में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं। जी नाजिया, आपके पास कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे शुएब मलिक। आज तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, बल्कि सारे देखने वाले बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि यहाँ पर दो दिन से हम बहुत हसीन खवातीन को कुकिंग करते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन और हमारे सबके फेवरेट शुएब मलिक आज हमारे किचन में मेजबानी का जो परिजान जाम देंगे। और ये आपकी घंटी बजी और ये पहुंचे हमारे मेजबान नंबर 3 शुएब मलिक। ओवर टू यू। आ गए, लेट्स गो। ले इनको तो जाके मैं ही ले लेती हूँ ना, तुम यहीं पे रुको प्लीज। तुम्हें वैसे मैं यहाँ वेलकम करूंगा ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा अल्लाह का मैं ठीक ठाक। थैंक यू, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू, सारी चीजें सेट है। अरे जबरदस्त, वेरी एक्साइटेड। मैंने कभी खाना बनाया नहीं है, लेकिन आज मैं बनाऊंगा। आपने बहुत आला दास द स्पिरिट बनाया, लेकिन मैंने सीखा जरूर है, और आज मैं उसको जो है ना इस्तेमाल में ला। बहुत आला, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। वेलकम टू मेजबान खाना, हम जांचने जा रहे हैं आपकी मेहमान नवाजी। अच्छा, कुकिंग के अलावा हर तरह की मदद के लिए यहाँ मौजूद हैं मेहरबान और कदरदान। ठीक है। इसके अलावा आपके पास हैं 3 लाइफ लाइन्स, आप मशवरा ले सकते हैं ऑडियंस से, फोन पर किसी से या हमारे एक्सपर्ट से। आपके पास वक्त है 1 घंटा 15 मिनट। आप आज बनाएंगे दाल चावल और फिरनी। घंटे में कैसे बनेगी? वैसे भी मुझे चैलेंजेस पसंद है। ओ, तो बनेगा सब कुछ। जाहिर है, स्पोर्ट्समैन है ना, चैलेंज लेना तो उनका काम है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। तो आ जाइए फिर जल्दी से, सबसे पहले एप्रिन वाले सेगमेंट में जाएंगे। एप्रिन ट्रॉली लेके जाऊंगा। ट्रॉली पहन लेना,
ये मैंने उसी का बनाया हुआ कुर्ता, कोई बात ऐसी चीज करते जाओ सबसे हटके तुम कटके तुम खाना मजे का जब पके काम बने और मेहमान रहे अगर तुम में कुछ खास नहीं मेहमान नवाज तुम नहीं यहाँ होना होगा फन से फिर कूल ही कूल और चिल ही चिल वरना होना होगा घर से दूर जितना बहावलपुर मेहमान नवाज मेहमान नवाज मेहमान नवाज मेहमान मेहमान नवाज मेहमान नवाज मेहमान नवाज मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये सारे जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो बेसिकली लड़ रहे हैं सिर्फ एक गोल्ड ट्रॉफी के लिए जो कि होगी बेस्ट सेलिब्रिटी शेफ ऑफ मेहमान नवाज की ट्रॉफी जिसके साथ उनको मिलेगा एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 लाख का कैश प्राइज फ्रॉम खैबानी अमीन हाउस ऑफ टी। लेकिन इस गोल्ड ट्रॉफी तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। 24 सेलिब्रिटीज में से 6 सेमीफाइनलिस्ट होंगे। सबसे पहले हर ग्रुप में से एक ब्रॉन्ज ट्रॉफी का हकदार होगा जिसको मिलेगा सीटीवी की तरफ से ब्रॉन्ज ट्रॉफी के साथ साथ 1 लाख रुपए का कैश प्राइज फ्रॉम खैबाने अमीन हाउसिंग स्कीम। इस तरह 6 ग्रुप्स में से हमारे पास 6 ब्रॉन्ज ट्रॉफी होल्डर्स आएंगे जो लड़ेंगे सेमीफाइनल के लिए और हर सेमीफाइनलिस्ट को मिलेगा एक सिल्वर ट्रॉफी के साथ साथ 2 लाख रुपए का कैश प्राइज फ्रॉम खैबाने अमीन हाउसिंग स्कीम। और इसके बाद इन 2 सेमीफाइनलिस्ट में से जो विन करेगा वो जीतेगा बेस्ट सेलिब्रिटी शेफ ऑफ मेहमान नवाज की ट्रॉफी जिसके साथ साथ मिलेगा 10 लाख रुपए का कैश प्राइज फ्रॉम खैबाने अमीन हाउसिंग स्कीम। यहां मैं आप लोगों को भी और आपको भी एक दफा फिर रिमाइंड करा दूं कि हमारे नंबर्स की डिविजनिंग किस तरह है। टोटल मार्क्स हैं 60 जो कि हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट आपको देंगे मैक्सिमम 30 मार्क्स आपको मैक्सिमम हमारे एक्सपर्ट शेफ्स की तरफ से मिलेंगे और 10 मार्क्स हमारे ऑडियंस की तरफ से यानी आप लोगों की तरफ से उनको मिलेंगे। तो टोटल ये हो जाएंगे 100 जिसमें 20 हमारे 3 सेलिब्रिटी गेस्ट 15 ईच फ्रॉम ईच एक्सपर्ट शेफ और 10 फ्रॉम यू पीपल। जी देखा आपने शेफ से क्या तवक्कात हैं आपको। अच्छा तो जैसे मुझे शुएब की एक बात बहुत ही अच्छी लगी, उसने कहा कि ख्वातीन हर वक्त खाना बनाती हैं और ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि मर्द नहीं बना सकते, तो कभी कभी मैं भी बनाता हूँ, तो इससे मुझे लगा कि शुएब खाना बना लेंगे। इससे क्यों लगा, मतलब हमदर्दी उसकी बात नहीं, हमदर्दी नहीं आई, उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी पॉजिटिव बात उसने किए। तो ये हमारी सोसाइटी के हिसाब से जैसे सोचा जाता है कि औरत सिर्फ खाना पकाने के लिए या घर की देखभाल के लिए है और मर्द बाहर जाके कमा कर लाने के लिए है। टमाटर लाने के लिए कमा कर लाने हाँ टमाटर मंगा सकते हैं, टमाटर लाने के लिए हाँ टमाटर मंगवा सकते हैं आप अपने घर के मर्द से। तो कभी कभी मर्द वो काम कर रहे हैं जो खवातीन घर में करती हैं और खवातीन तो वो काम कर ही रही हैं जो मर्द कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो हायरार्की है घर के अंदर औरत और मर्द की, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, दोनों को शफल करते रहना चाहिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां। Alright, Mariam, what do you think about Shoaib Malik's selection of? It's a total Pakistani menu. I'm so excited. I love the thing you're wearing in your hand. Thank you. I have a snake here. You have today. A snake. Wonderful. Okay. I'm so excited for a Pakistani menu, especially I want to say so much for the meetup because we have such a dessert in Turkey which we call sütlaç. 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 Sütlaç is our river, right? River Sütlaç, right? Sütlaç means milk dessert, actually. All right. Milk meal, okay. It means. That's why I'm so excited. I'm waiting the result. चलिए जी, जिसको शुएब मलिक समझ रहे थे कि वो खीर है वो बुनियादी तौर पे सुतलज निकली जी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर जगह पे होती हैं किसी ना किसी नाम के फ़र्क के साथ, हर जगह पे दूध चावल तो कहीं खीर तो कहीं फिरनी तो कहीं सुतलज।
लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो तो सबको अच्छी लगती है। अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और फिर वापस आएंगे और देखेंगे कि उस वक्त तक हमारे मेजबान ने वहाँ क्या गुल खिलाए। अगर तुम में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं। अगर तुम में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं। शोएब मलिक की कुकिंग बात चल रही है, हम देख रहे हैं कि उनका खाना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और आपको क्या लगता है कि ग्रुप ए का विनर होगा कौन? एक इंट्यूशन क्या है, फीलिंग क्या आती है आपको? शाइस्ता, शाइस्ता इसलिए क्यों एक्सपर्ट? बिकॉज शी इज Because you are looking very pretty, that's the reason you will be the winner of. अच्छा। शायद सही, कौन सी आदत आपको अच्छी लगती है, कौन सी बात अच्छी लगती है? मुझे इनकी इनोसेंस बहुत अच्छी लगती है और क्यूट बहुत लगती है। अच्छा। स्मार्ट, क्यूट, इनोसेंस, स्माइल, चार चीजें हैं आपके अंदर जो आपको ये मुकाबला जितवा सकती हैं। खाने के अलावा हर चीज आपको With a smiley की वजह से जो है ना आप, आपको क्या लगता है कौन होगा विनर? ऐसे ही एक मतलब अंदाज़े से। शाइस्ता बहुत माशाल्लाह, आपने तो कोई मतलब लग रहा है कि आने से पहले ही आपने कोई स्पेशल रिश्वत दी हुई थी लोगों को। जी आपको 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 क्या लगता है? मैं किसी लड़के से भी ना पूछूंगा। शोएब मलिक अभी आपने अहमद शहजाद का खाना चेक नहीं किया। अभी आपको नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं। इस ब्रेक में अहमद ने मुझे कहा कि एक शेर है, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। इसका पहला मिसरा किसको पता? ये मिसरा है, इसका पहला मिसरा किसको पता? उसके लिए खास इनाम। हाँ, शाइस्ता ने एक इनोसेंस, क्यूटनेस, स्मार्टनेस, अच्छे कपड़े, स्माइल और अब एक शेर का मिसरा भी पता है। शायद आप बताइए इसका पहला मिसरा क्या है? कैस जंगल में अकेला है मुझको जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। अहमद शहजाद ने कहा कि कैस वहाँ मेज़बान खाना में अकेला है मुझे जाने दो, क्योंकि क्रिकेटर्स कभी अकेले नहीं जाते। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर वो इफ्तारी बना रहे हैं तो क्या हुआ, मुझे तो फौरन भूख लगने लगती है, इसलिए मैं डिनर की तैयारी कराऊंगा। तो इस वक्त हमारे मेहमान नवाज जो पेश किया जा रहा है कश्मीर बनस्पति के ताबुन से, उसमें पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हमारे एक ही वक्त में दो दो मेज़बान साथ होंगे। एक बना रहा होगा इफ्तार और दूसरा बना रहा होगा डिनर। हम अहमद शहजाद को भेज रहे हैं खाना बनाने के लिए। अल्लाह खैर करे हम सबके पेटों पे, हम सबकी सेहतों पे। तो अहमद तैयार हैं आप? I'm ready. अच्छा, ये आप सरप्राइज वहीं जाके देंगे कि आप क्या बनाने वाले? आप बता दो। पिज्जा और कोफ्ता। यार ये पिज्जा का जो केक है ना आपने, वो बर्गर वाली बात को थोड़ा सा आपने उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन कोफ्ते अंडे कहने के बाद आपने बता दिया कि अच्छा हाँ। कोई ये भी कह लेता नहीं तो सारों की परसेप्शन चेंज हो जाएगा। हाँ, नहीं बर्गर, आई एम हैप्पी व्होएवर सेड दैट। चले ठीक है, गुड लक। थैंक यू अहमद, आप जाइए वहाँ, आपके मेहरबान कदरदान आपका इंतजार कर रहे हैं और आपके एक दोस्त भी वहाँ आपका वेट कर रहे हैं मेजबान खाना में। पहले मैं उनको देख लूँ उन्होंने क्या खिलाया। चलिए गुड लक। ओके, तो अहमद शहजाद को तो आप खुद रिसीव करने जाएंगी, तो मैं यहाँ वेलकम करता हूँ उनको फिर। अस्सलाम वालेकुम। सबका खाना जो है वो चखा बिल्कुल, और सबने सबकी प्रेजेंटेशन देखी बिल्कुल, और क्या फील हो रहा है कि एंड पे आना जो है वो कुछ फायदेमंद हो सकता है? यस ऑफ कोर्स, फायदेमंद तो होता ही है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि सारू ने क्या किया क्या नहीं किया एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से जिसने भी जो जो
जो कुछ किया है सब कुछ, कोई भी यहाँ जीतने नहीं मेरे ख्याल से आया था. एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी सारों के साथ और यस एंड वी वर एंजॉयिंग आवरसेल्फ्स और व्हाटएवर वी आर डूइंग एक्चुअली वी आर डूइंग विद द हार्ट के दूसरों को अच्छा लगे. तो जब ये चीज़ आ जाती है तो यू नो एक्चुअली हेल्प करती है ये चीज़ आपको अच्छा प्रेजेंट करने के लिए. वैसे जब से हम आपके साथ हैं एक चीज़ तो ज़रूर आपके बारे में नोट कर रहे हैं और हम अपने व्यूअर्स से भी शेयर करना चाहेंगे कि जेम ऑफ अ पर्सन, फन लविंग और सबसे बहुत प्यार करने वाले और हर वक्त अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को बहुत परफेक्टली खुश देखने की एक ख्वाहिश जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आपसे आई है. और मैं वेट कर रहा था कि कब हम लोग इकट्ठे जो है वो ये खाना वाना बनाए और एक शुगर लगाए. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेक्शन. आपकी ट्रॉली रेडी है? हमने अच्छी मेहमान नवाजी कर ली. बिल्कुल बिल्कुल. कैन बी आई एम कंफर्टेबल विदाउट इट. आई एम कंफर्टेबल. या तो सबसे पहले हम टेबल क्लॉथ और टेबल ले करने का जो हमारा सामान है और ये ऊपर हमारे पास कैंडल्स भी हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अहमद शहजाद ने अपने खाने की तैयारी के लिए जो जो सिलेक्शन की है वो हम जरा छोटे से क्लिप में देखते हैं और फिर वापस आते हैं. मेहमान नवाज, मेहमान नवाज, मेहमान नवाज, आओ देखो कैसा घर है ये जिसमें है सेलिब्रिटीज जो है फुल मस्ती में कुछ सख्ती में. देखो प्लीज ऐसा घर है ये सेलिब्रिटीज जिसमें प्लीज ऐसी चीज करते जाओ सबसे हटके तुम कटके तुम एंटरटेन. खाना मजे का जब पके काम बने और मेहमान रहे. अगर तुम में कुछ खास नहीं मेहमान नवाज तुम नहीं. नवाज मिलेंगे यहाँ नंबर भी तोहफे भी दोस्त भी होगा यहाँ पर फैशन भी ग्लैमर भी स्टाइल भी. स्मूदी सिल्की टेस्टी फीका भी कड़वा भी ठंडा भी. नॉट फॉर मेहमान नवाज. यहाँ होना होगा फन से फिल कूल ही कूल और चिल ही चिल. पर ना होना होगा घर से दूर जितना बहावलपुर. जी शेफ राज एंड शेफ मरिया, एक्सपर्ट्स बताएंगे कि कैसी लगी सिलेक्शन. अहमद शहजाद ने पिज्जा बनाना है और 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 अंडे कोफ्ते, कोफ्ते अंडे. अच्छा कोफ्ते अंडे. पिज्जा पे मुझे थोड़ा सा है कि शक है उसे किरदार पे. हाँ क्योंकि थोड़ी सी उसमें इतना मुश्किल नहीं होता लेकिन उसमें थोड़ी सी नो हाउ होनी जरूरी है तो हो सकता है हो उसे. और पिज्जा में और कीमे वाले नान में बेसिकली फर्क क्या होता है? अच्छा अगर सोचें आप पिज़्ज़ा वाला हमारा जो कीमे वाला नान है वो तंदूर में पकता है वैसे वाले तंदूर में जिसमें कि साइडों में रोटी लगाते हैं. और पिज़्ज़ा भी तंदूर में पकता है लेकिन वो ऐसे वाले तंदूर में पकता है जिसमें हम ऐसे फ्लैट रख देते हैं. अच्छा तो ये फ़र्क होता है दोनों में. वो दीवार वाले अवन में रख दिया लगा दिया जाता है जो कीमे का नान है और जो पिज़्ज़ा है पिज़्ज़ा को हम दीवार वाले अवन में नहीं लगा सकते क्योंकि हमने ऊपर टॉपिंग लगाई होती है. कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकल ही आता है. वो क्या था सतलज सुतलज एंड खीर नाउ मीट बॉल्स एंड अंडा कोफ्ता. वेरी गुड. And also dost means friend in Turkish. Yes. Oh, or the same, I guess. Same, yes. Dost. Yar dost. Yar dost. Yes. But that Mariam is so fast at learning. And Urdu itself is derived from Turkish language. Turkish, yeah, 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 I know it. Urdu is a Turkish word. Which means? Urdu. a bunch of group of different group of factions of society, yeah, or people, yeah, yeah, or probably something probably like that, right? Yeah. Okay. And also pak means clean in Turkish. Clean, yeah. I think it's same in Urdu. Yeah. Urdu, yes. Okay. So, okay, the second thing is pizza. He's making a pizza, mm-hmm, right? Yes.
So, what do you think about his selection for pizza? I like the pizza so much. Yeah. I hope he make a... I'm not expecting an Italian style of pizza, you know? I'm expecting some flavors of Pakistan. Pakistani, yes. Some spicy pizza. I hope... I'm sure he will make such a nice pizza. I'm waiting for it. All right. Ahmed, Chef Rahat and Chef Maryam, you have a lot of hope for them. Their hopes will be complete. मेरे ख्याल पिज्ज़ा अच्छी चीज़ है खाने में लेकिन रात के खाने में थोड़ा सा इसकी कार्ब्स में रखा लेकिन कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है लेकिन अगर थिन डो है तो देन इट्स ओके और अगर उसके ऊपर वो चीज़ी लेयर्स भी नहीं है और वो तो टॉपिंग डिपेंड करता है आप घर में कुक कर रहे हैं कि कमर्शली जो आप लेते हैं उस पर तो वो बहुत थिक लेयर्स लगाते हैं चलिए आप लोग तैयार हो जाए इसलिए कि अब आपने रज के खाना खाना है इसलिए कि सिर्फ इफ्तार नहीं करना बल्कि आपने डिनर भी करना है अहमद शहज़ाद के बने हुए खाने खाने हैं पिज्ज़ा खाना है अंडे कोफ्ते है कोफ्ता अंडा ये तो बाद में पता चलेगा कि वो कोफ्ता अंडा है कि अंडा कोफ्ता लेकिन आप लोग तैयार हैं वहाँ जाने के लिए इफ्तार करने के लिए और साथ साथ डिनर भी बिल्कुल ऐसे मौके पे अक्सर ये होता था कि हमारी माएँ जो थी वो जब रात की शादी पर जाना होता था तो कहती दोपहर को कहाँ खाना कम खाना इसलिए कि पेट में जगह होनी चाहिए बेटा पेट भर के खाना खाना कर लेकिन पता नहीं क्या होता था कि शादी में जाके भूख उड़ जाती है मेरे साथ तो पता नहीं क्या होता है कि शादी के खाने खाने देख के भूख उड़ जाती है लेकिन अब तो खैर रोजा है तो ऑफ कोर्स आप लोग स्टाफ कर रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि इफ्तार हो और आप खाना भी खाएं इफ्तार भी तो आइए प्लीज वहाँ मेजबान खाना आपका इंतजार कर रहा है शायद प्लीज आइए आइए दो खवातीन जा रही हैं दो मर्दों के खाने को टेस्ट करने चेक करने All right, भाइयों इज्जत रख लेना अच्छा है ना देखते हैं क्या कर किया उन्होंने कारनामा Good luck. Happy eating. अतीका जी शाह सलोदी इफ्तार कीजिए और खाना खाइए नाजरीन आप लोग हमें देख रहे हैं हमारे वहाँ से गेस्ट सेलिब्रिटीज जो हैं शाइस्ता और अतीका रास्ते में बस अभी यहाँ पे पहुँचने वाली हैं थोड़ी देर में और आने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त खाना उनको खाने को मिलेगा और हम उनको वेलकम करेंगे sure. और अहमद अपनी कोशिशों में रवा दवा है शुएब आपके गेस्ट आ गए तो उनको वेलकम करना चाहिए आपने तो बड़े दिए भी है जलाए हैं क्या अफ्तारी और डिनर के हालात हैं अस्सलाम बस मेहनत हो रही है हम मेहमान नवाजी करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम वैसे भी पठान हैं एक चीज जरूर आती है वो अच्छी मेहमान नवाजी आई डोंट नो यू हैव टू टेल मेहनत दोनों ने की है बहुत अच्छी वो तो बाकी की बातें आप बताएंगे ना बनाते बनाते सिंगर बना दिया तो खाने के बाद क्या होने वाला है बट ये है कि हमने ट्राई पूरी की है हमने मोहब्बत से बनाया है Then what are we waiting for? Table पे चलते हैं। पहले आप ये किचन देखना चाह रहे हैं। किचन देखें। शुएब भाई आपका खाना बन रहा है। उसके बाद अफ्तारी कहाँ एक ही जगह कर रहे हैं अफ्तारी और किचन जो है देखें। इसलिए हम आपको टेबल पे लेके जाएंगे ताकि आप देखें कि चलें जी। नाइस। ये शुएब भाई का बन रहा है शुएब भाई का। चने की दाल। ये मैं छुपा देता हूँ खाना खाने के बाद इसको ना ढूंढ रहे हो ये लोग प्लीज क्या बात प्लीज आइए प्लीज है ये सेलिब्रिटीज जिसमें प्लीज ऐसी चीज करते जाओ सबसे हटके तुम खाना मजे का जब पके काम बने और मेहमान रहे अगर तुम में कुछ खास नहीं मेहमान नवाज तुम नहीं मिलेंगे यहाँ नंबर भी तोहफे भी दोस्त भी होगा यहाँ पर फैशन भी ग्लैमर भी स्टाइल भी स्मूदी सिल्की टेस्टी फीका भी कड़वा भी ठंडा भी यहाँ होना होगा फन से फिर
cool hi cool aur chill hi chill par na ho na hoga ghar se dur jitna Bahawalpur mehman nawaz mehman nawaz mehman nawaz mehman mehman nawaz mehman nawaz mehman nawaz mehman नाज़रीन, तो इस वक्त शुएब मलिक अपनी इफ्तारी का तमाम सामान तैयार कर चुके हैं। उनके तीनों गेस्ट वहाँ पर बैठे हैं और इफ्तार का इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग भी इफ्तार पर जाना चाहते हैं। सो ऐसा करते हैं कि आप लोग अपने घरों पर इफ्तार कीजिए और थोड़ी सी देर के बाद, इफ्तारी ब्रेक के बाद, हम आप लोगों को दोबारा यहीं से ज्वाइन करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, थोड़ी देर में मिलते हैं। अगर तुम में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं। अगर तुम में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं। शाहे मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा खुदा के लिए। हुजूर हम चाहे उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हूं तो भीख मिल जाए। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोल हम सब की, भर दो झोल आकाज, भर दो झोल हम सब की, भर दो झोल आकाज, भर दो झोल। तुम्हारे आस्ताने से समान क्या नहीं पाता, मुख्तार हो या नबी, मैं कसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हूँ अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हूँ अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गम खार हो या नबी, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी। हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए। या नबी कुछ खुदारा हमें भी दो, या नबी कुछ खुदारा हमें भी दो। दर पे आए हैं दामन पसारे हुए, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी। है मुखालिफ जमाना के दर जाएं हम, हालते बे बसी की सुख दिखलाएं हम। हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा। किसके आगे भला हाथ फैलाएं हम, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी, भर दो मैं न जाऊंगा खाली।
सदका अता हो, दर पे आया हूँ बन कर सवाली, किया काम खूब है कुर्बानिए हुसैन का अंजाम खूब है, कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, बख्शी है जिसने मजहब इस्लाम को हयात, कितनी अजीम हजरत शब्बीर की है जात, मैदान करबला में शाह खुश खिसाल ने, जिसने सजदे में गर्दन कटाली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा हुसैन, मोहम्मद का प्यारा नवासा हुसैन, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा हुसैन, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली, दिन रसूल पाक से लोगों ने ये कहा, या मुस्तफा अजान गलत देते हैं बिलाल, कहिए हुजूर आपका इसमें है क्या ख्याल, फरमाया मुस्तफा ने ये सच है तो देखिए, वक्ते सहर की आज अजान और कोई दे, हजरत बिलाल ने जो अजान सहर न दी, मुतलक सहर हुई, खुदा की देखो ना मुतलक सहर हुई, फरमा रहे हैं आपसे ये रब्बुल जलाल, फरमा रहे हैं आपसे ये रब्बुल जलाल, होगी न सुबह देंगे न जब तक अज़ा बिलाल, होगी न सुबह देंगे न जब तक अज़ा बिलाल, आशिक़ मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या आजान थी आजाने बिलाली, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या आजान थी आजाने बिलाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊं लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, अगर तुम में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं।